हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे। तो यार, मैंने 10.1 इंचेस का एंड्रॉयड टैबलेट परचेस किया है। तो इस एंड्रॉयड टैबलेट को मैंने ऑनलाइन परचेस किया है मात्र 3,500, यानी कि अप्रॉक्सीमेट 3,500 इंडियन रुपीज़ में मैंने इस 10.1 इंचेस एंड्रॉयड टैबलेट को परचेस किया है। तो आज की इस वीडियो में मैं इस 10.1 इंचेस एंड्रॉयड टैबलेट की करूँगा अनबॉक्सिंग, और साथ ही साथ हम देखेंगे कि इस बॉक्स में हमें क्या क्या एक्सेसरीज मिली है और इस टैबलेट का क्या स्पेसिफिकेशन है। तो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, इस 10.1 इंचेस एंड्रॉयड टैबलेट को मैंने ऑनलाइन परचेस किया है मात्र 3,500, यानी कि 3,500 इंडियन रुपीज़ में। तो चलिए गाइस, विदाउट एनी डिले हम इस टैबलेट की कर लेते हैं अनबॉक्सिंग। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, इस एंड्रॉयड टैबलेट की अनबॉक्सिंग शुरू करने से पहले मैं आपको वो वेबसाइट दिखा देता हूँ जिस वेबसाइट से मैंने इस एंड्रॉयड टैबलेट को परचेस किया है। तो यहाँ पर आप वो वेबसाइट देख सकते हैं, यही वो टैबलेट है जिसे मैंने परचेस किया है लगभग 3,500 रुपये में। यहाँ पर आप इसका प्राइस देख सकते हैं, लगभग 2100 रुपये है, लेकिन डिलीवरी चार्ज मिला के लगभग 3,500 रुपये मैंने इस टैबलेट का पे किया है। तो यहाँ पर मैं आपको ये लिस्टिंग ओपन करके दिखा देता हूँ। गाइस, ये सब मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग अभी ये बोलेंगे कि इट्स ऑल फेक। तो उन लोगों के लिए मैं दिखा रहा हूँ कि भैया यहाँ पे देख लो, इट्स नॉट फेक, सब कुछ रियल है। तो इस वेबसाइट से मैंने इस एंड्रॉयड टैबलेट को परचेस किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10.1 इंचेस का एक एंड्रॉयड टैबलेट है, सभी स्पेसिफिकेशन यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं एवरीथिंग इज़ रियल। इस एंड्रॉयड टैबलेट को मैंने ऑनलाइन परचेस किया है लगभग 3,500 रुपये में, 3,500 रुपये में डिलीवरी चार्ज भी इंक्लूडेड है और अलग से मैंने कोई भी कस्टम चार्ज पे नहीं किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एवरीथिंग इज़ रियल। तो इस टैबलेट का परचेजिंग लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ कॉमेंट सेक्शन में शेयर कर दूँगा। तो उस लिंक की मदद से आप वन क्लिक में इस एंड्रॉयड टैबलेट को परचेज कर पाएंगे। तो इस टैबलेट की अनबॉक्सिंग शुरू करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इसके बॉक्स पर क्या क्या मैंशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रंट में यहाँ पे एक टैबलेट मेंशन है, और इसके अलावा इस बॉक्स पर कुछ भी मेंशन नहीं है, कोई स्पेसिफिकेशन कुछ भी यहाँ पर मेंशन नहीं है, क्या ब्रांड है, क्या मॉडल नंबर है, कुछ भी इस बॉक्स के ऊपर मेंशन नहीं है, सिर्फ यहाँ पर ये टैबलेट ही बना हुआ है। तो चलिएगा इस विदाउट एनी डिले अब हम इस टैबलेट की कर लेते हैं अनबॉक्सिंग। तो इसके अंदर है हमारा 10.1 इंचेस एंड्रॉयड टैबलेट। तो इस टैबलेट को हम रख लेते हैं साइड में और देख लेते हैं कि इस बॉक्स के अंदर हमें और क्या क्या एक्सेसरीज मिली है। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं, हमें इस एंड्रॉयड टैबलेट के साथ यहाँ पर काफ़ी सारी एक्सेसरीज दी गई है। मज़ा आया। तो यह है एक माइक्रो यूएसबी वाला चार्जर, और इसकी आउटपुट यूनिट आप देख सकते हैं, ये एक 5 वॉट और 2 एम्पियर का ये एक माइक्रो यूएसबी चार्जर है। यह है इसका यूजर मैनुअल। यह है एक माइक्रो यूएसबी केबल। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाए। यह एक माइक्रो यूएसबी केबल, और इसके साथ हमें ये एक और माइक्रो यूएसबी केबल दी गई है। तो यहाँ पर हमें 2 माइक्रो यूएसबी केबल दी गई है, और यह है एक ओटीजी केबल, ऑन द गो केबल। इस ओटीजी केबल की मदद से आप इस टैबलेट में कीबोर्ड, माउस, यूएसबी पेन ड्राइव ये सभी कनेक्ट कर सकते हैं। और ये क्या है, ये है गाइस एक ब्लूटूथ हेडसेट। भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये। तो इसके साथ हमें एक ब्लूटूथ हेडसेट भी दिया गया है। तो ये है एक ब्लूटूथ हेडसेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टैबलेट के साथ हमें ये सभी एक्सेसरीज मिलती है। ये है एक 2 एम्पेयर का माइक्रो यूएसबी वाला चार्जर, ये है एक ब्लूटूथ हेडसेट, और यह है एक ओटीजी केबल, और यह है 2 माइक्रो यूएसबी केबल। तो चलिए अब हम देख लेते हैं हमारे इस टैबलेट को। तो यह है गाइस हमारा 10.1 इंचेस का एंड्रॉयड टैबलेट। इसके दोनों तरफ फ्रंट और बैक में यहाँ पे प्लास्टिक की फिल्म चढ़ी है। तो चलिए अब हम इस फिल्म को कर देते हैं रिमूव। तो ये गाइस हमारा 10.1 इंचेस का एंड्रॉयड टैबलेट। गाइस मैं बार बार इसको 10.1 इंचेस एंड्रॉयड टैबलेट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे इसका नाम नहीं पता है। जैसे कि आपने इसके बॉक्स पर भी देखा, कुछ भी मेंशन नहीं है, कुछ डिटेल इसके मेंशन नहीं है, कोई स्पेसिफिकेशन मेंशन नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग इट 10.1 इंचेस एंड्रॉयड टैबलेट, क्योंकि मुझे इसका अभी तक नाम नहीं पता है। तो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, इस एंड्रॉयड टैबलेट का परचेजिंग लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ कॉमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। उस लिंक की मदद से आप वन क्लिक में इस एंड्रॉयड टैबलेट को परचेज कर पाएंगे। तो इस एंड्रॉयड टैबलेट को बूट करने से पहले मैं आपको इसका फिजिकल ओवरव्यू दिखा देता हूँ। सो जस्ट लाइक इन आईपैड, यहाँ पर इसका कैपेसिटिव बटन दिया गया है, और यहाँ पर इसका फ्रंट कैमरा दिया गया है।
तो इस टैबलेट के राइट साइड में यहाँ पर दिया गया है 3.5 mm का ऑडियो जैक, और इधर दिया गया है वॉल्यूम रोकर की, और इधर दिया गया है पावर ऑन ऑफ की, और इधर दिया गया है इस टैबलेट का प्राइमरी माइक्रोफोन। और इस टैबलेट के रेयर में यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसका रेयर कैमरा शूटर दिया गया है, और इसके जस्ट नीचे ही यहाँ पर LED फ्लैश दिया गया है। और इस टैबलेट में आपको स्टीरियो स्पीकर दिए गए हैं, और इधर दिया गया है इसका सिम ट्रे, मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो इस 10.1 इंच एंड्रॉयड टैबलेट में आप अपने 2 सिम लगा सकते हैं और एक माइक्रो SD कार्ड। और इस टैबलेट के टॉप में दिया गया है माइक्रो USB चार्जिंग स्लॉट। तो गाइज आप देख सकते हैं ये एंड्रॉयड टैबलेट बिल्कुल आईपैड का लुक अलाइक है, बिल्कुल आईपैड की तरह देखने में है ये एंड्रॉयड टैबलेट। तो मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, इस एंड्रॉयड टैबलेट का परचेजिंग लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। उस लिंक की मदद से आप वन क्लिक में इस एंड्रॉयड टैबलेट को परचेज कर सकते हैं। तो इसमें दी गई है 10.1 की ह्यूज डिस्प्ले। तो चलिए अब विदाउट एनी डिले हम इस टैबलेट को कर लेते हैं बूट। बूट करने के लिए हम इस पावर ऑन ऑफ बटन को कुछ सेकंड तक हम प्रेस करके रखेंगे। तो चलिए गाइस अब मैं इस टैबलेट को पूरा सेटअप कर लेता हूं, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा इस टैबलेट की क्या क्या स्पेसिफिकेशन है। तो इस टैबलेट को पूरा सेटअप करके मैंने इस टैबलेट को वाईफाई के साथ भी कनेक्ट कर लिया है। यहां पर मैं इसकी ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ा देता हूं ताकि आप बढ़िया से देख सके। तो यहाँ पर गाइज आप देख सकते हैं मैंने इस टैबलेट की ब्राइटनेस को पूरा बढ़ा रखा है, पूरा फुल करा हुआ है, तब भी ब्राइटनेस काफ़ी कम है इस एंड्रॉयड टैबलेट की। तो सबसे पहले मैं आपको इस टैबलेट का अबाउट सेक्शन दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप इस एंड्रॉयड टैबलेट की कुछ स्पेसिफिकेशन देख सकते हैं, जैसे कि इसमें एंड्रॉयड 9 ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है, और इसमें दी गई है 10.1 इंचेस की ह्यूज डिस्प्ले जिसका रेजोल्यूशन है 2560x1600, और इसमें रेटिना स्क्रीन दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें मीडियाटेक का 6797 का प्रोसेसर दिया गया है, जो कि बहुत पुराना, बहुत आउटडेटेड प्रोसेसर है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देखने लायक है कि इसमें 10 कोर दिया गया है 2.5 GHz के। गाइस कैन यू बिलीव, इसमें 2.5 GHz के 10 कोर दिया गया है। सो गाइस लिटरली मुझे अभी तक ये भरोसा नहीं हो रहा है कि ये सभी स्पेसिफिकेशन इसके रियल या ऑथेंटिक है कि नहीं। और यहाँ पर आप इसका मॉडल नंबर देख सकते हैं, इसका मॉडल नंबर है ZH960। तो ये एक 4G टैबलेट है, और इसमें आप अपनी 2 सिम तक लगा सकते हैं, और इस टैबलेट में आपको वाईफाई, ब्लूटूथ, इंटरनेट सबकी कनेक्टिविटी मिल जाती है। इवन इसमें कैमरा भी दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आप अपने 2 सिम लगा सकते हैं। अभी मैंने इसमें कोई भी सिम नहीं लगाया है। तो गाइस फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे लिटरली भरोसा नहीं हो रहा है कि इसमें 2.5 GHz के 10 कोर दिए गए हैं। नहीं 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 सारू के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेता हूँ, जिससे कि हम इस टैबलेट की रियल स्पेसिफिकेशन देख पाएंगे। तो चलिए अब हम प्ले स्टोर से आप एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेते हैं, जिसकी मदद से हम इस टैबलेट की एकदम रियल और ऑथेंटिक स्पेसिफिकेशन हम देख पाएंगे। क्योंकि गाइस मुझे लिटरली भरोसा नहीं हो रहा है कि इसमें 2.5 GHz के 10 कोर हो भी सकते हैं, क्योंकि इसकी कीमत मात्र 3500 रुपये है। तो चलिए यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को कर लेते हैं डाउनलोड। तो गाइस बेसिकली इस एप्लीकेशन की मदद से हमारे इस डिवाइस का, हमारे इस टैबलेट के जो भी रियल स्पेसिफिकेशन है वो हम देख पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विद इन अ सेकेंड यहाँ पर ये एप्लीकेशन हमारे इस टैबलेट में इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इस एप्लीकेशन को कर लेते हैं ओपन। बेसिकली गाइस इस एप्लीकेशन की मदद से हमारे इस टैबलेट की जो भी रियल स्पेसिफिकेशन है वो हम यहाँ पर देख पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टैबलेट मीडियाटेक हीलियो चिपसेट के साथ आता है, और इसका मॉडल नंबर यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है MT6797, और इस टैबलेट में 6 कोर है 2.5 GHz के, और इस टैबलेट में Mali 400 का GPU दिया गया है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इसका डिवाइस सेक्शन। तो यहाँ पर इसके डिवाइस सेक्शन में आप इसका मॉडल, मैन्युफैक्चरर, ब्रांड, बोर्ड ये सब आप देख सकते हैं,
और इसका स्क्रीन साइज है 10.1 इंचेस और स्क्रीन रेजोल्यूशन है 1600x2560। और इस टैबलेट में रैम दिया गया है 9648 MB का, यानी लगभग 9 GB का इसमें रैम दिया गया है। आई डोंट बिलीव दिस, असंभव असंभव। गाइस लिटरली मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि 3500 रुपए के डिवाइस में 9 GB का रैम कैसे पॉसिबल है। बट इस एप्लीकेशन में आप देख सकते हैं इट हैज़ 9 GB ऑफ रैम, और अवेलेबल रैम में आप देख सकते हैं अभी लगभग 4374 MB, यानी लगभग 4 GB का रैम अभी इसमें अवेलेबल है। और इसका इंटरनल स्टोरेज है लगभग 450 GB। आई डोंट बिलीव दिस, असंभव असंभव। तो 476 GB इसका इंटरनल स्टोरेज है, आउट ऑफ 476 GB इट हैज 464 GB अवेलेबल स्टोरेज। तो यार रैम और इसका रोम लिटरली काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इट्स प्राइस। इसको मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है मात्र 3500 रुपये में। अगर आप भी इस टैबलेट को परचेज़ करना चाहते हैं तो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ कॉमेंट सेक्शन में इस टैबलेट का परचेजिंग लिंक मैं शेयर कर दूँगा। तो इस टैबलेट का रैम है लगभग 9.5 GB और इंटरनल स्टोरेज है लगभग 500 GB के आसपास। तो अब हम इसका सिस्टम सेक्शन चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इट रन्स ऑन एंड्रॉयड 9 सेंसर में आप देख सकते हैं इसमें एक्सेलेरोमीटर सेंसर है, प्रॉक्सिमिटी है और लाइट सेंसर है। गाइस लिटरली मुझे नहीं लग रहा है कि इस टैबलेट में ये सभी स्पेसिफिकेशन होंगे जो अभी हमने देखा। इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल कि 3500 रुपये के टैबलेट में आपको इतने सारे स्पेसिफिकेशन मिले। सो लिटरली मुझे अभी भी ट्रस्ट नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं मैंने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया है, प्ले स्टोर से मैंने डाउनलोड किया है, और इस एप्लीकेशन को ओपन करके यहाँ पर आप देख सकते हैं वो सभी स्पेसिफिकेशन जो अभी हमने देखे। तो आप दोबारा से यहाँ पर देख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं इट हैज़ अप्रोक्सीमेट 9 GB रैम एंड अप्रोक्सीमेट 500 GB ऑफ इंटरनल स्टोरेज। मुझे तो गाइस लिटरली ट्रस्ट नहीं हो रहा है, लेकिन आपके सामने मैंने प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करके आपको इसके स्पेक्स दिखाए। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे टैबलेट के बॉटम में यहाँ पर टच पैनल दिया गया है। तो इसको आप हल्का सा टच करेंगे तो आप होम स्क्रीन में स्विच हो जाएंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। तो जैसे अभी आप देख सकते हैं अभी हम इस टच पैनल पर हल्का सा क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करते ही यहाँ पे हम होम स्क्रीन पर स्विच हो गए, और इसकी मदद से आप बैक कर सकते हैं। आपने जैसे कोई भी एप्लीकेशन ओपन किया है सिंपली अगर आपको बैक करना है आप इसकी मदद से आप बैक भी जा सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एंड्रॉयड टैबलेट है बिल्कुल एप्पल आईपैड का पूरा लुक अलाइक है, बिल्कुल आईपैड की तरह ही लग रहा है देखने में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें कैमरा भी दिया गया है। कैमरा ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो नहीं है इस कैमरे के साथ, फिर भी हम देख लेते हैं कैसा कैमरा इसमें है। इसका कैमरा आप देख सकते हैं काम चलाऊ कैमरा है। इस टैबलेट का कैमरा गाइस काफ़ी एवरेज है, और इस टैबलेट की कीमत मात्र 3500 रुपये है, तो इसके कैमरे से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगाना ठीक नहीं रहेगा। काम चलाओ कैमरा है इसमें। और इस टैबलेट में आप वेब ब्राउजिंग भी कर सकते हैं। और ये जो आप लैपटॉप देख रहे हो ये हमारे पे 14th
तो गाइस लिटरली इसका जो स्पीकर है बहुत ही ज़्यादा लाउड है, लिटरली गाइस बहुत ही ज़्यादा लाउड है इसका स्पीकर। तो गाइस अभी तक तो ये टैबलेट मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, लेकिन मुझे अभी भी इसके स्पेसिफिकेशंस पर डाउट है, क्योंकि गाइस इसको मैंने ऑनलाइन परचेज किया है मात्र 3,500 रुपये में, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया। सो इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल कि 3,500 रुपये में हमें 9 GB का रैम, 500 GB का इंटरनल स्टोरेज हमें किसी डिवाइस में मिले। तो ये टैबलेट गाइस मेरे हिसाब से लिटरली बहुत ज़्यादा बढ़िया है। इसका प्राइस को ध्यान में रखते हुए इसको मैंने ऑनलाइन परचेज किया है मात्र 3,500 रुपये में। अगर आप भी इस टैबलेट को परचेज करना चाहते हैं तो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ कॉमेंट सेक्शन में इस टैबलेट का परचेजिंग लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। उस लिंक की मदद से आप 1 click में इस टैबलेट को परचेज कर पाएंगे। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में आपको इस टैबलेट का परचेजिंग लिंक मिल जाएगा। और जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं, इस टैबलेट के साथ हमें ये OTG केबल भी इसके साथ ही मिली है। तो OTG केबल की मदद से आप अपने टैबलेट में कीबोर्ड, माउस, USB पेन ड्राइव जैसे आप डिवाइस लगा सकते हैं। तो अभी मैं अब इस टैबलेट में कनेक्ट करने वाला हूँ कीबोर्ड। तो अभी गाइस मैं इस टैबलेट के साथ कनेक्ट करूँगा हमारे इस USB कीबोर्ड को। तो हमने इस टैबलेट में लगा लिया है इस OTG केबल को, अब इस OTG केबल में हम लगा लेंगे इस USB कीबोर्ड को। तो मैंने इस टैबलेट के साथ इस कीबोर्ड को कनेक्ट कर लिया है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे कीबोर्ड बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रहा है हमारे इस टैबलेट में। मज़ा आया। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस OTG केबल आप अपने इस टैबलेट को आपके कीबोर्ड, आपके USB माउस और या फिर USB पेन ड्राइव के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस मात्र 3,500 रुपये में ये बहुत ही बढ़िया डील है। अगर आप भी इस टैबलेट को परचेज करना चाहते हैं तो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ कॉमेंट सेक्शन में इस टैबलेट का परचेजिंग लिंक मैं शेयर कर दूँगा। तो ये टैबलेट गाइस 4G इनेबल्ड है। तो यहाँ पर आप इस टैबलेट के बॉटम में यहाँ पर आप एक कैपेसिटिव बटन देख सकते हैं, जिसको आप अगर प्रेस करेंगे तो आप 1 click में होम स्क्रीन पर पहुँच जाएंगे। और इसको प्रेस करके आप सिंपली बैक कर सकते हैं, इसको आप कहीं पर भी ड्रैग करके जहाँ पर भी आप चाहते हैं उधर आप मूव कर सकते हैं इसको। तो गाइस आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप भी इस एंड्रॉयड टैबलेट को परचेज करना चाहते हैं तो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में इस एंड्रॉयड टैबलेट का परचेजिंग लिंक मैं शेयर कर दूंगा। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिए गए लिंक की मदद से आप 1 click में इस एंड्रॉयड टैबलेट को परचेज कर पाएंगे। तो गाइस अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप अभी कभी हमारे इस यूट्यूब चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ढेर सारी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो हम लाते रहते हैं। तो आप अभी कभी हमारे इस यूट्यूब चैनल को कर लो सब्सक्राइब। नीचे आप एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन देख सकते हो, उसको अभी कभी आप प्रेस करो। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन भी जरूर दबा देना ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो गाइस मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।